हेलो दोस्तों, इस वीडियो बताने वाला हूँ इस तरह के शीशों की मॉडलिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं 3DX Max के अंदर। और आपको ये जानना है तो ये वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर जो ये शीशो है, ये काफ़ी हद तक इसको हम लोग सिलेंडर से या फिर लाइन के जरिए भी हम लोग इसको क्रिएट कर सकते हैं। बाकी ये जो इसका जो चेयर देख सकते हो, चेयर जो है वो हम लोग को पॉली मॉडलिंग करनी पड़ेगी 3D पॉली के जरिए। चलो स्टार्ट करते हैं। इसको कर लेता हूँ मैं यहाँ से छोटा, थोड़ा सा मैं रेफरेंस देखने के लिए। तो सबसे पहले तो ये जो लेंथ है, मैं लगभग इसको लेता हूँ, जैसे कि अगर ये 2 फीट का अगर रहेगा, लगभग 2 फीट, 2 फीट समझते हैं, तो 2 2 4 हो गए इधर पे 10 के आसपास। लोग एक लाइन बना लेते हैं। लाइन की बजाय हम लोग यहाँ पर इसमें देख सकते हैं, इसके पीछे भी यहाँ पर एक ऊपर उठा हुआ है कैप्सूल की तरफ। तो हम लोग इधर से एक और कमांड ले सकते हैं एक्सटेंडेड पेरीमीटर में। इधर पे हमारे पास ऑप्शन होता है, एक होता है चैम्फर और कैप्सूल भी होता है यहाँ पर। हम लोग चाहे तो कैप्सूल को भी ले सकते हैं यहाँ पर, वो ईजी रहेगा हमारे लिए। तो यहाँ से मैं इसको बनाता हूँ, साइड से ड्रॉ कर लेता हूँ कैप्सूल को। कैप्सूल की साइज क्या रखेंगे अभी, इधर मैंने इधर पे मेजरमेंट वाला मैंने यहाँ पर यूनिट सेट नहीं किया हूँ, इसको यूनिट सेट सेट कर लेंगे पहले। सबसे पहले तो इधर मेरे को चाहिए 10 फीट के आसपास, 10। ओके, गलत हो गया। यहाँ से अभी 10 फीट हो गया। इसका जो रेडियस है उसको हम लोग कम रखेंगे, वो हमारा लगभग काफ़ी पतला रहेगा, कुछ 2 इंच या 1 इंच के आस 2 इंच के आसपास। अभी ये क्या, इसका जो है ये पॉइंट चलो इधर पे आ रहा है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। हम लोग इसको सेंटर में कर लेते हैं। अब इसका सेंटर कैसे समझेगा हम लोग को, सेंटर पे समझने के लिए तो हम लोग यहाँ पर स्नैपिंग ऑन कर लेते हैं, इजी रहेगा। मिड पॉइंट को एनेबल करना है, इसको एनेबल कर लीजिए, आपका मिड पॉइंट पर अपने आप ही स्नैप आ जाएगा यहाँ पर। तो ईजिली आप यहाँ पर मिड पॉइंट देख ले सकते हो। इधर पर ग्रिड पर हमारा स्नैपिंग नहीं हो रहा है, ग्रिड पर हम लोग प्रॉपर स्नैपिंग करना है, तो ग्रिड को भी हम लोग को यहाँ पर एनेबल करना पड़ेगा। हमारा ग्रिड भी यहाँ पर प्रॉपर स्नैप हो जाएगा, हमारा सेंटर में आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। अभी यहाँ पर हमें बनाना है एक जो है ये वाला पार्ट, नीचे वाला अगर बनाना है तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पर लेना होगा ट्रायंगुलर, ले सकते हो। स्नैपिंग को ऑफ करो, यहाँ से ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है। अभी रेक्टेंगुलर में हम लोग इसके रेडियस को बढ़ा के कर तो सकते हैं लाइक दिस, और क्या हो जाएगा, ये दोनों तरफ हो रहा है, नो प्रॉब्लम। एक बार कर लीजिए, करने के बाद फिर इसको एटेबल स्प्लाइन कर लीजिए, फिर इसके ऊपर वाले पार्ट को कर लीजिए डिलीट। अभी डिलीट कर रहा हूँ तो ये इसका लाइन्स अभी भी है, तो इसको यहाँ से इसके स्प्लाइन को सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। फिर उसके बाद इसको रख देते हैं ऊपर की तरफ, इसको कॉर्नर कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको हमें ऊपर लेके जाना पड़ेगा लाइक दिस। अभी मैं इसको थोड़ा सा रेंडरेबल करता हूँ ताकि जाके इस पर थिकनेस आ जाए। अभी इसमें थिकनेस नहीं है, थिकनेस एनेबल करने के लिए मुझे यहाँ पर जाना पड़ेगा रेक्टेंगुलर में, ये थिकनेस को इनेबल कर देते हैं। थिकनेस काफ़ी पतली है, इसको हम लोग इसके अकॉर्डिंग बढ़ा लेते हैं जितना मुझे चाहिए, इतना कर लेता हूँ। थोड़ा स्मूथनेस कम है तो इसका हम लोग यहाँ से अप्लाई कर लेते हैं अडेप्टिव, तो स्मूथनेस आ जाएगी। अभी भी लग रहा है कि राउंड थोड़ा कम है, इसके अंदर राउंड काफ़ी ज़्यादा ही हुआ है, हमने इसकी राउंडनेस को यहाँ से और भी मॉडिफाई हल्का सा कर सकते हैं। अगर तब भी ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ये राउंड अलग दिख रहा है, ये राउंड अभी भी थोड़ा चपटा जैसा लग रहा है, तो फिर हम लोग को पूरा मॉडिफाई ही करना पड़ेगा। पूरा मॉडिफाई मतलब कि आपको इस पॉइंट्स को निकालना पड़ेगा, इस पॉइंट्स को निकाल के इधर पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने इसको डिलीट कर दिया, इधर पर मैंने एक नया स्प्लाइन किया, ठीक है, इसको मैंने ऊपर की तरफ ले लिया। इसको मैंने अभी इस ये क्या हो रहा है कि पूरी तरह से इसको ब्रेजर कर लीजिए, पहले तो इसको स्मूथ कर लो, फिर कर लो ब्रेजर, फिर इसको खींचेंगे हम लोग इस तरह से, तो ये ऐसा कुछ राउंड शेप बन जाता है। अभी एक साइड का बनाए थे कुछ कुछ मॉडल्स, जैसे कि ये मॉडल्स हो गए, बाकी ये जो टी बन रहा है इधर पे, इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा टाइम लग सकता है, चलो इसको पहले ये टी को बना लेते हैं। पहले टी को कैसे बनेगा, टी को भी हम लोग ईजिली हम लोग इधर भी जा सकते हैं, इधर पर आ जाइए इस जगह पे, हम लोग चलते हैं लेफ्ट में। लेफ्ट में हम लोग आके यहाँ पर टी बनाएंगे। टी बनाने के लिए हम लोग चाहे तो यूज़ कर सकते हैं सिलेंडर को भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो हमारा था लाइन, लाइन को भी यूज़ कर सकते हैं। तो लाइन को यूज़ करते हैं, यहाँ पर लाइन अप्लाई किया मैंने सीधा लाइक दिस। अभी क्या हो रहा है कि हमारा जो ये है ना, इसका रेडियस बहुत ही कम लग रहा है, ये काफ़ी मोटे लग रहे हैं उसके हिसाब से, या फिर हम लोग इसको थिकनेस को बढ़ा लेते हैं काफ़ी ही, थोड़ा थिकनेस को इंक्रीज कर लेते हैं ताकि इसके साथ मैच करें। तो
इसकी स्मूथनेस कम है तो स्मूथनेस के लिए हम लोग इसके साइड्स को बढ़ा देते हैं। अभी मुझे यहाँ पर भी एक चाहिए रहेगा, यहाँ पर देख सकते हो इसका भी जो शेप है ऐसा है, तो इसके लिए भी हम लोग कैप्सूल ले सकते हैं। फ्रंट से आया मैं यहाँ पर, इधर पे भी लेता हूँ मैं एक कैप्सूल क्रिएट किया, सेम उसी शेप का होना चाहिए। टॉप पे आ गए, इसकी जो हाइट है उसको इंक्रीज कर लेते हैं। इसका सेंटर के लिए हम लोग स्नैपिंग को ऑन करेंगे। अभी जो इधर जब कुछ ज़्यादा ही अगर घुमा हुआ है उसको हम लोग कम भी कर सकते हैं, उसको बाद में एड पॉलिश अगर कम करना तो उसको हम लोग चपटा कर सकते हैं बाद में। ये हमारा टी बन गया इधर पे। इस टी को चाहिए तो हम लोग कर लेंगे ग्रुप, इजी हो जाएगा मूव करना अभी इसको, ठीक है। अब आती है इसकी बारी, ये कैसे कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग पॉली मॉडलिंग करना पड़ेगा, लाइन से भी नहीं बनेगा ये। इसको हम लोग को बनाना है तो हम लोग को एक बॉक्स को लेके उसको चेयर का शेप देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग एक बॉक्स क्रिएट करते हैं। बॉक्स की साइज भी लगभग लगभग एक प्रोपोर्शन में रख के बाद में हम लोग स्मूथ वगैरह करेंगे तो बाद में वो छोटा हो ही जाएगा। इसको मैं अर्क्यू कर लेता हूँ। अर्क्यू से क्या होता है, हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। मैंने अभी आइसोलेट कर लिया ताकि आसानी से इसके ऊपर काम कर सकूँ, ओके। तो अभी इसके ऊपर सेगमेंट्स अभी मैंने ऐड नहीं किया। सेगमेंट्स ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं एडिट पॉली का इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ पर से एडिट पॉली यूज़ किया, फिर मैंने यहाँ से किया रिंग, फिर यहाँ से किया कनेक्ट। कनेक्ट करके मैंने डाला एक एक पॉइंट्स, दो पॉइंट, एक एक ही रखते हैं सेगमेंट्स यहाँ पर। इसको रख देते हैं पीछे की तरफ लाइक दिस, ठीक है। फिर यहाँ पर एक और मैंने करता हूँ रिंग, फिर करते हैं कनेक्ट, फिर करते हैं दो सेगमेंट्स ऐड कर लिया, फिर इसको कराता हूँ ऐसे कुछ, ओके। ये बन गया हमारा, इधर पे हमारे सेगमेंट्स इतने बन गए हैं, ओके। F4 प्रेस किया तो हमको सेगमेंट्स और ये पूरा ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहा है। अभी फ़िलहाल तो एक्सट्रूड करता हूँ, क्या एक्सट्रूड हो गया। अभी क्या है कि बीच में ये इसका शेप कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ऊपर से ऐसे राउंड हुआ है, नीचे की तरफ गया है, ठीक है। और ये पीछे वाला पार्ट भी ऊपर की तरफ ऐसे शेप में बना हुआ है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, पीछे से देख सकते हैं ये पूरा राउंड है। हमको पूरा राउंड चाहिए यहाँ पर, और ये भी पूरा फ्लैट जा रहा है हमारा। इसको राउंड कैसे करेंगे, तो राउंड करने के लिए हमको इसके अंदर सेगमेंट्स को ऐड करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा सेगमेंट अप्लाई करने पड़ेंगे तब ये राउंड होगा, क्योंकि जाके ऐसे सीधा सीधा सिंपल में जाएगा नहीं राउंड में। इसके पहले बीच में हम लोग कर लेते हैं इधर पे राउंड करने के लिए, इधर पे एक्स्ट्रा सेगमेंट्स ऐड करते हैं। फिलहाल तीन ऐड करता हूँ अभी फिलहाल, ये सेगमेंट्स ऐड कर लिया। फिर यहाँ से मैं इसको मूव करता हूँ ऊपर की तरफ लाइक दिस, ठीक है। अभी ये बीच वाले पार्ट को भी अगर मुझे नीचे करना है तो इधर पे मेरे को सेगमेंट्स को ऐड करने पड़ेंगे। 10 सेगमेंट्स को ऐड करते हैं। इधर पे मैं तीन पॉइंट फिलहाल अभी लेता हूँ, तीन लाइन यहाँ से ले लिया, और यहाँ से मैंने साइड से अभी इसको रफ रखते हैं थोड़ा। मैं इसकी स्मूथनेस पे पहले चेक कर लेता हूँ, स्मूथनेस में क्या फ़र्क आ रहा है। स्मूथ होने के बाद थोड़ा सा हम लोग को अलग दिख सकता है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे यहाँ से। इधर से हम लोग अप्लाई करेंगे मैस स्मूथ। अभी इसके बीच में देखो थोड़ा सा ये मोटा सा दिख रहा है, मगर हमारा ये ऊपर से चपटा सा हो गया है, तो उसको अच्छे से मैनेज करेंगे। अभी मैनेज करने जाते हैं, जब नीचे की तरफ हम लोग पॉलीगॉन में जाते हैं तो हम लोग को ये स्मूथनेस में दिख रहा है पूरा, ठीक है। हम लोग यहाँ पर हम लोग को एक ऑप्शन मिलता है शो केज करके, इस पर अप्लाई करें तो हम लोग को अपना जो पॉली वाला मॉडल है वो भी नज़र आएगा। उसके अंदर हम लोग अपना एक सेगमेंट्स ऐड कर सकते हैं, जहाँ जहाँ मेरे को सेगमेंट्स को मोटा करना है वहाँ पर से मैं उसको ऐड ऑन कर सकता हूँ, या फिर मैं इधर पे से इसको बंद कर सकता हूँ। अपना स्मूथनेस मेरे को बंद करना है तो यहाँ पर इसकी आँख बंद करके बंद कर सकता हूँ, या फिर यहाँ से मैं इसको भी टॉगल को ऑन ऑफ कर सकता हूँ। तो मैं इधर पे से रिंग कर रहा हूँ, इसको भी सेलेक्ट करके मैं फ़िलहाल अभी
रिंग करता हूँ, ठीक इसको भी रिंग, सब अप्लाई हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं चाहिए मुझे, रिपेयरिंग क्या, रिपेयरिंग क्या, रिपेयरिंग क्या, ए, मेरा क्या है कि इधर पे आ रहा है लाइंस, देख सकते हो येलो येलो कलर का सिलेक्शन आ गया है इधर पे। अभी ये क्लियर नहीं हो रहा, तो मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देता हूँ ऑब्जेक्ट का, तो अच्छे से दिखाई देगा। देख दो येलो कलर का ये दिख रहा है, ठीक है सिलेक्शंस, इधर सिलेक्शंस आ चुकी है जहाँ मैंने सेलेक्ट किया था, रिंग किया था। फिर अभी यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगा, कनेक्ट करता हूँ, एक बार मैं स्मूथनेस भी देख लेता हूँ स्मूथनेस में क्या गड़बड़ हो रही है। थोड़ा सा हो सकता है कहीं ना कहीं इस तरह की प्रॉब्लम आने लग जाए जैसे यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो मैं फिलहाल इसके अंदर स्मूथनेस में कम ही सेगमेंट दूंगा, एक ही सेगमेंट सिंगल सेगमेंट दिया, वे एक सिंगल सेगमेंट में तब भी देखो काफ़ी मोटा हो गया, पहले पतला सा था भी मोटे से थिकनेस आ गए इसके ऊपर। नीचे की तरफ काफ़ी ही ये काफ़ी मुड़ा हुआ है, क्योंकि अभी यहाँ पर नीचे की तरफ भी काफ़ी ऐसे फ्लैट होना चाहिए, काफ़ी मुड़ा दिख रहा है। इधर पे भी हम लोग नीचे की तरफ चाहिए तो एक चीज़ कर सकते हैं, नीचे वाले जितने भी बेस हैं उसको सेलेक्ट कर लो, फिर उनको साथ में इंसर्ट कर सकते हैं लाइक दिस, इस तरह से ये फ्लैट हो जाता है नीचे का पार्ट भी। ये मोस्टली हमारा रेडी हो चुका है बेंच बैठने के लिए, सेम टू सेम अप्रॉक्स सेम टू सेम हो चुका है। कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का सा है चेंजेस करना, जैसे कि लाइक मुझे थोड़ा सा ये इसको नीचे होना चाहिए, तो ये मैं थोड़ा सा ऐसे नीचे कर सकता हूँ, साइड से मुझे मॉडिफाई करना है थोड़ा सा, इस तरह से ये अपना शेप रेडी हो जाता है। अपना सिटिंग रेडी हो गया है, सिटिंग को भी आप ऐसे फिक्स कर लीजिए जहाँ पर इसे फिक्स करना है, ऊपर की तरफ रहेगा, इंटरसेक्ट नहीं होगा ये, थोड़ा सा है हाइट कम है, साइज कम है, थोड़ा बढ़ा लेंगे, परफेक्ट, ठीक है। अभी इसको भी हम लोग को इस तरफ रखना है सेम लाइक दिस, अब इसके सेंटर में जो जॉइंट्स है जैसे कि ये जो जॉइंट है इसको बनाना है। अगर ये तो क्या है, सीधा हम लोग रेक्टेंगुलर कोई ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, एक सीधा रेक्टेंगल बना दीजिए लाइन से, एक्सट्रूड कर लीजिए, अभी इसको सेंटर में रखना है तो स्नैपिंग ऑन करो, सेंटर ये रहा प्रॉपर। अभी बनानी, अगर ये बेयरिंग जैसा कुछ बनाना है तो उसको भी हम लोग ड्रॉ कर मॉडलिंग कर सकते हैं। मॉडलिंग करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं एक ट्यूब, ठीक है उसको मैंने अलग से निकाल लिया ताकि मैं इसके ऊपर अच्छे से काम कर सकूं। थोड़ा इसके जो साइड्स है उसको स्मूथ कर लेते हैं, ये जो हाइट है उसको बढ़ा लेता हूं मैं यहां से। हम लोग चाहे तो इसको डायरेक्टली एक स्मूथ अप्लाई करेंगे तो शायद से ही अपने आप ही स्मूथ बन जाएगा, स्मूथ ऑब्जेक्ट में रेडी हो गया। अभी इसके अंदर जो है बीच में का सर्कल, बीच में का जो है स्पेयर्स होता है तो उसको बनाना है, पहले फ्रंट पे चलते हैं। मैं चाहूँ तो सीधा इसको ही एक स्केल से इसका सेंटर ले सकता हूँ, इधर मेरे को इसके इधर के इसके बीचों बीच सिलेंडर्स रहेंगे, ओके कॉपी ले लिया मैंने। इसके क्यूब को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ लाइक दिस, के बीच में एक मैं सिलेंडर अप्लाई कर सकता हूँ, लाइक दिस। इसके अंदर भी इसकी जो सेगमेंट्स ऐड कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा स्मूथनेस अप्लाई कर देते हैं, थोड़ा मेरे को इसको स्मूथ चाहिए तो मैं इसे स्मूथ डाल के स्मूथ कर देते हैं। ये फिलहाल इस तरह से स्मूथ ये पार्ट बन गया। अब इसके अंदर का जो हम लोग जो स्पेयर्स होता है उसको कैसे अरेंज करेंगे, पहले तो एक स्पेयर को रेडी कर लेंगे यहाँ पर,
उसके बीचों बीच आएगा, तो साइज को देख के और रेडियस भी मैनेज कर लीजिए, क्योंकि तो इधर पे थोड़ा अंदर भी रहता है ये स्पेयर, ताकि वहाँ पर फंसा रहता है ये, उसके साथ थोड़ा अंदर कर सकते हो। अभी हम लोग को इसको चारों बाजू में करना है, या फिर एक ऑप्शन होता है कि हम लोग एक एक करके करें, या फिर हम लोग एक कमांड का यूज़ कर सकते हैं जिसे बोलते हैं एरे कमांड। हम लोग जा सकते हैं टूल मेन्यू में, एरे को यूज़ कर सकते हैं, और एरे को यूज़ करने के लिए हम लोग का जो ये पॉइंट्स है, पिवट पॉइंट है, वो हमारा सेंटर में होना चाहिए। मगर ये क्या, आप लोग रोटेट भी करें तो फिर जाके ये प्रॉपरली रोटेट नहीं होगा, इसका पहले पिवट पॉइंट को हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर चलते हैं एराकी में, इफेक्ट पैट ओनली पे क्लिक करते हैं, फिर इसको हम लोग मूव कर लेते हैं यहाँ पर इसके सेंटर पॉइंट में। तो एरे कमांड को अगर हम लोग यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं, एरे पे चले गए, मेरे को कितना चाहिए इधर पे, कॉपी चाहिए या स्टेंस चाहिए, मैं यहाँ पर से मॉडिफाई स्टेंस चाहिए तो मैं स्टेंस ले सकता हूँ। इधर प्रीव्यू अप्लाई कर दिया, मेरे को रोटेशन में कितना चाहिए, कितने रोटेट पे होना चाहिए, यहाँ से मैं यहाँ पर डिसाइड कर सकता हूँ। ये नहीं चाहिए मुझे, सॉरी। इधर नंबर ऑफ बॉल्स कितने चाहिए, मैं यहाँ से डिसाइड कर सकता हूँ, मेरे को ज़्यादा चाहिए कम चाहिए, मैं उसके हिसाब से भी उसको मैनेज कर सकता हूँ। परफेक्ट लग रहा है तो उसको कर लेते हैं ओके। फिर हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ये काफ़ी बाहर की तरफ आ गया है, इसको हम लोग कर लेते हैं मूव अंदर की तरफ। ये हमारा बैरिंग इसका बन गया है, इसको pixiny.com, यहाँ मिलते हैं आपको 3D मॉडल्स, सीन फाइल, टेक्सचर और ट्यूटोरियल्स। और भी जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके आप विजिट कर सकते हो। इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हो आप लोग तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाजू के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।